कैसे हो मेरे प्यारे भाइयों एंड क्या हाल चाल आपके। होप सो सभी के हाल चाल बड़े होंगे और सभी का रैंक पुश वगैरह काफ़ी ज़्यादा मस्त चल रहा होगा, काफ़ी अच्छा चल रहा होगा। हाँ मुझे पता है एक दिक्कत आप सभी को आ रही है अभी के टाइम पे, और सभी को क्या भाई पूरी VGMI कम्युनिटी को आ रही है। मतलब कोई कितना भी बड़ा प्रो प्लेयर का 14 हो सभी को ये दिक्कत आ रही है। तो क्या दिक्कत आ रही है वो आज मैं तुमको बताने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहली जो मेन दिक्कत है वो है इवेंट्स पे किल। तो भाई इवेंट्स पे किल निकालने में सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है बंदों को, क्योंकि काफ़ी सारे बंदे रैंक पुश कर रहे हैं तो इवेंट से किल नहीं निकाल पा रहे वो लोग। और लास्ट जोन में गेम इतना रेंडर होता है भाई, किसी के पास 90 FPS हो तो वो 10 FPS में बदल जा रहा है, ठीक है। ऐसा सभी के साथ हो रहा है मुझे पता है, और हाँ आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा। और तीसरी सबसे मेन चीज जो कि है सर्वर फ्रीज हैकर, जो कि अब एक गेम का हिस्सा हो चुका है। हर एक मैच के अंदर ही सर्वर फ्रीज हैकर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, भले ही वो लास्ट जोन में मिले, शुरू के जोन में मिले, एरोप्लेन पे मिले, कहीं तो मिल ही जाएंगे, ठीक है। मतलब मिल ही जाएंगे तो मिल ही जाएंगे हैकर वगैरह, ठीक है। और फोर्थ सबसे जरूरी दिक्कत जो कि सबसे मेन है, ठीक है, उसको क्या है कि हाई प्लस। तो भाई बंदों को काफ़ी प्लस नहीं मिल रही है अभी के टाइम पर, बहुत ही कम प्लस मिल रहा है। अगर आप टॉप 10 भी करते हो तो भी आपको कम प्लस मिल रहा है, ठीक है। तो कम प्लस का भी सोल्यूशन बताने वाला हूँ, हैकर का भी सोल्यूशन बताने वाला हूँ, इवेंट्स पे किल कैसे निकालने हैं उसका भी सोल्यूशन बताने वाला हूँ। एंड हाँ सबसे मेन चीज लास्ट जोन में जो वो आ रही है प्रॉब्लम 10 FPS वाली, उसका भी सोल्यूशन आप लोगों को बताने वाला हूं, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है लास्ट तक, एंड थोड़ी सी मिस मत करनी है वीडियो, क्योंकि भाई अगर थोड़ी सी भी वीडियो मिस होगी तो आपके लिए बेनिफिट नहीं होगा और आपके आपका कुछ भी मिस हो सकता है, ठीक है। बाकी छोटा मोटा डेली प्लस टारगेट भी दे दूंगा आप लोगों को, और खेलना कैसा है वो भी बता दूंगा, ठीक है। मतलब कि आज की वीडियो में टोटल से मतलब शुरू से लेके आखिर तक आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा, छोटा बड़ा लंबा जैसा भी हो भाई सब डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और भाई क्या बताऊँ यार, मुझे पता है आप सभी को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है खेलने में, और भाई तुमसे ज़्यादा दिक्कत मुझे आ रही है गेम प्ले रिकॉर्ड करने में, क्योंकि लास्ट जोन में मैं गेम प्ले रिकॉर्ड कर ही नहीं पा रहा, और कर पा रहा हूँ तो भाई कोई भी आगे भर दे रहा है, क्योंकि गेम इतनी रेंडर होती है भाई, कुछ नहीं समझ में आता कौन कहाँ से मार दिया भाई, कुछ नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। बाकी तो यहाँ पे आज के वीडियो में रहने वाले दो गेम प्ले, और दोनों गेम प्ले ठीक ठाक हैं, मतलब अच्छे खासे हैं, ठीक है। पहले तो सबसे मेन चीज़ आपकी सबसे पहला डाउट क्लियर करूँ कि इवेंट्स पे आपको किल कैसे निकालना है, ठीक है। तो आपने वीडियो को पीछे करके देख लेना है, मैं पे उतरा था, लैंडिंग मैंने कहां पे की थी, तो आपको भी सेम वहीं पे लैंडिंग करनी है। और अगर आप वहां पे लैंडिंग करते हो तो आप इवेंट पे इजी किल्स निकाल सकते हो, मेरी गारंटी है, ठीक है। जैसे कि अभी आप देख लो मेरा एक किल हो चुका है, और तभी मैं रिकॉर्ड लेने के लिए आता हूं, और भाई यहां पे देखो अभी क्या गलत सीन होने वाला है मेरे साथ, देखो भाई लगता है भाई बच पाऊंगा यहां पे, तो देखना अपने आप ही, देखो भाई खुद यहाँ पे इजी बच चुके हैं। और हाँ भाई अभी तक अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया और लाइक वीडियो को नहीं किया तो भाई अभी ना अपने चैनल की रीच डाउन चल रही है, काफी ज्यादा डाउन चल रही है, मतलब बहुत ही ज्यादा डाउन चल रही है, हद से ज्यादा डाउन चल रही है। तो अगर आप मेरी हेल्प कर सकते हो एक लाइक करने में, तो मेरी जान प्यार सा बटन होगा एक, उसको दबा देना अपना भाई समझ के, ठीक है। और हाँ भाई अगर आपको कुछ भी कमेंट सेक्शन में पूछना हो कुछ भी भाई, कुछ भी रिलेटेड कॉन्करर से, तो भाई कमेंट कर देना, आपका रिप्लाई जरूर से आ जाएगा। और हाँ कोई यूट्यूबर आपको रिप्लाई नहीं देगा, आप कहीं पे भी करके देख लेना, बट तुम्हारा भाई फट से तुम्हारा रिप्लाई कर देगा, कुछ भी तुम्हारा क्वेश्चन हो तुम्हारे क्वेश्चन का रिप्लाई एकदम कर देगा और बता देगा तुमको जो भी दिक्कत आ रही है, तो ठीक है। तो कमेंट कर देना, बाकी सब्सक्राइब वगैरह करना चाहते हो तो वो भी अपनी मर्जी से कर देना, नहीं तो भाई मत करना, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छी लगेगी तो मुझे पता है आप लोग खुद ही कर दोगे। बाकी तो इवेंट पे किल्स निकालने कैसे हैं, तो देखो यहां पे दो किल मेरे हो चुके थे और अभी मेरे को छोड़ के यहां पे बचे थे तीन बंदे, जो कि अभी यहां पे किल्स और निकालने वाला हूं मैं। कैसे अभी देखो मैं यहां पे सबसे पहले तो उठाता हूं रिकॉल, और आप भी ये वाली ट्रिक यूज करके हर एक मैच के अंदर रिकॉल उठा सकते हो अगर आप ये वाली ट्रिक यूज करते हो तो, ठीक है। आपको करना कुछ नहीं है, जब तक यहाँ पे बहुत कम बंदे रह जाते हैं तब तक होल्ड करना है, तो आप इजी यहाँ पे किल्स निकाल लोगे। जैसे कि यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है, अभी मेरे तीन किल हो चुके थे और अभी मेरे को छोड़ के इवेंट पे सिर्फ एक बंदा बचा था, तो मुझे ना अपनी लूट खराब नहीं करनी थी और इवेंट से भी निकलना था। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हीलिंग वगैरह कंप्लीट करता हूँ। और हाँ अगर आप इवेंट से तीन किल भी निकालते हो तो भाई वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तीन किल आसान नहीं होते, ठीक है। और रिकॉल उठा लगे तो तीन चार किल आप बाहर जाके भी ईजी कर सकते हो, ठीक है। तो होप सो समझ चुके होंगे तुम मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे अपने पास रिकॉल भी है और तीन किल्स भी इवेंट से मेरे हो चुके हैं, और अभी बाहर जाके भी बंदे पेलने वाले हैं, टेंशन मत लो। तो देखना यहाँ पे किल्स कितने
करने वाला हूँ मैं। और हाँ, अभी के टाइम पे भाई मुझे किल्स करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है, लैग वगैरह इशू से और लैग प्रॉब्लम से भाई बहुत प्रॉब्लम आ रही है गेम के अंदर। अभी ना ये मतलब ये जो हो अपडेट होता है तो भाई ये ना पूरी तरह से ऑक्टोमाइज नहीं है, क्योंकि BGMI वालों से पूरी तरह से ऑक्टोमाइज नहीं हुआ है ये वाला। और हाँ, अभी अगर आपको इसका सोल्यूशन चाहिए 20 FPS का, जो कि आप सभी को पता है, तो भाई सबसे पहले आपको इसका सोल्यूशन बताता हूँ, जो कि 20 FPS वाला प्रॉब्लम आ रही है। तो भाई इसका सोल्यूशन यहाँ पे है क्या, तो ध्यान से सुनना भाई। अभी आपने सुबह से गेम ओपन नहीं की तो एक बार गेम ओपन करो, और वहाँ पे 3-4 MB का अपडेट आया होगा, तो उसके अंदर ये वाला सोल्यूशन फिक्स, मतलब ये वाला ग्लिच फिक्स हो चुका है, जो कि आपको प्रॉब्लम आ रही थी 20 FPS वाली, ठीक है। लास्ट जोन में बहुत ही रेंडर कर रहा था गेम, तो ये वाली चीज़ फिक्स हो चुकी है। 3 MB का अपडेट आया है सुबह, तो जिसने भी अभी तक अपडेट नहीं किया तो प्लीज़ जरूर से गेम ओपन करके कर लो, ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा MB का नहीं है, 3-4 MB का अपडेट है, तो इजी हो जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पे फिक्स कर दिया है, ये वाला सोल्यूशन भी आपको मैंने बता दिया, ठीक है। बाकी सबसे मेन चीज और सबसे खतरनाक चीज, सर्वर फ्रीज हैकर भाई, इससे कैसे बचना है, ठीक है। क्योंकि अभी के टाइम पे ऐसे हैकर आ रहे हैं ना भाई, एरोप्लेन पे सर्वर फ्रीज होते हैं और भाई खुलते ही नहीं है। आप 45-50 कितनी मिनट रुक जाओ भाई, सर्वर आएंगे नहीं आपके, भले ही हैकर के अनफ्रीज हो जाए बट आपके अनफ्रीज नहीं होंगे। तो उससे आप कैसे बच सकते हो, तो टेंशन मत लो यार, तुम्हारा भाई है ना, तुम्हें बता देगा वीडियो के आगे में। और मेरे भी अगली वीडियो में, मतलब दूसरे गेम प्ले में सर्वर फ्रीज हुए थे, तो बैक टू बैक आपको वहीं पे जाके बता दूंगा मैं, ठीक है। बाकी तो अभी यहाँ पे सर्वर में काफ़ी दिक्कत आ रही है, मतलब फ्रीज होते हैं तो भाई अनफ्रीज होते ही नहीं है, ये चीज़ आपको भी पता है, ठीक है। तो करना कैसे है एंड कैसे बचना है, तो भाई सबसे मेन चीज़ यही आती है, तो वो बताऊंगा, टेंशन मत लो वीडियो के आगे। बट अभी थोड़ा डेली प्लस टारगेट दे देता हूँ आपको। तो देखो भाई, जो बंदे भी आपके लिए प्लैटिनम पे है 300+ डेली करो, जो बंदे डायमंड पे है 250+ डेली करो, 10 से 15 दिन के अंदर कॉन्क्रे हो जाएगा। और जो बंदे क्राउन पे है 200+ करोगे तो भी 10 से 15 दिन के अंदर इजी कॉन्क्रे हो जाएगा, ठीक है। तो समझ चुके होंगे तुम। और जिन बंदों ने एस कर लिया है, अगर एस के आज 4550 पॉइंट लगा लोगे तो कॉन्क्रे मिल जाएगा, ठीक है, एस के डेड स्टार। तो होप्सो तुम लोग समझ चुके होंगे कि डेली प्लस टारगेट भी मैंने आपको दे दिया और आपकी लोगों की समझ में आ भी गया होगा, ठीक है। बाकी तो यहाँ पे देखो बैक टू बैक कैसे 1 HP में बंदे पेलने वाला हूँ। अभी देखो यहाँ पे 6 किल अपने हो चुके थे, तभी एक बग्गी वाला बंदा भी अभी रश कर देता है और भाई मेरी सीधा 1 HP थी और भाई ये घुसे ही जा रहा था। और भाई यहाँ पे जो बचा हो ना भाई, इसके लिए तो लाइक बनता है, क्योंकि भाई बैक टू बैक 1 HP में 3 बंदे फिनिश कर दिए, जिसमें से एक बोट था, ठीक है। बाकी तो आप लोगों को अभी तक वीडियो कैसी लग रही है मेरे को कमेंट करके जोर से बता देना। और हाँ, वीडियो को आपको कुछ भी बट अच्छा लगा होगा ना तो सब्सक्राइब कर देना यार अपने भाई को छोटा सा। भाई अभी बात करते हैं हाई प्लस की, तो वो आपको मैं आगे चल के दिखाऊंगा कि कितनी प्लस लगी थी मेरी। और लिविक मैप के अंदर भाई, लिविक के अंदर इतनी प्लस लेना इम्पॉसिबल है। और देखो भाई यहाँ पे सर्वर फ्रीज हो गए, बट यहाँ पे इसमें बीच में होते मैच के, तो यहाँ पे रिस्टार्ट करने की जरूरत थी नहीं, जैसे गेम चल रहा है ऐसे चलते रहने देना है। और जैसे ही सर्वर अनफ्रीज होंगे तो आप लोगों के आ जाएंगे, ठीक है। ये तो था गेम के अगर बीच में सर्वर फ्रीज होते हैं, अगर एरोप्लेन पे सर्वर फ्रीज होते हैं तो आपको क्या करना है, तो वो भी बताऊंगा। बाकी तो अभी के लिए यहाँ पे हाई प्लस के ऊपर चलते हैं, तो हाई प्लस आपको कैसे निकाल, हाई प्लस आप कैसे कर सकते हो। काफी सारे बंदों को लो प्रॉब्लम आ रही है लो प्लस लेने की, तो वो बताने वाला हूं आपको, तो सीधा सुनना। और हाँ, लो प्लस और हाई प्लस का सीन क्या है और कैसे आप हाई प्लस ले सकते हो, ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा ध्यान से सुनना। तो देखो भाई, हाई प्लस के लिए सबसे ज्यादा मैटर करते हैं किल्स, जो कि आपके किल्स होते हैं, ठीक है। तो अगर आपके किल्स नहीं होंगे तो आपको प्लस भी उतनी ज्यादा देखने के लिए नहीं मिलेगी, और वहीं पर अगर आपके किल्स होंगे तो आपको प्लस भी बहुत अच्छी खासी देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। तो भाई प्लस आपको कैसे निकालनी है, तो अगर आप इवेंट पे 2 से 3 किल कर देते हो, बाहर जाके 2 से 3 किल देते हो, मतलब टोटल 5 किल भी करते हो, 5 किल पे अगर आप टॉप 10 वगैरह कर लेते हो, तो भाई टॉप 10 पे आपको कम से भी कम 30+ इजी मिल जाएगी 5 किल के साथ। तो प्लस आपको करने कैसे है, कि टॉप 10 तो आप आ ही नहीं पाते, टॉप 10 करना कैसे है, तो ध्यान से सुनना। इवेंट पे जितना हो सके होल्ड करना है, बाकी अगर इवेंट पे होल्ड नहीं होता तो भाई पहला जोन H2H खेलना है, दूसरा भी जोन H2H खेलना है, तीसरा भी जोन H2H खेलना है, जैसे ही फोर्थ जोन बने जोन का सेंटर पकड़ना है, जोन के सेंटर में पकड़ के आपको अच्छी खासी प्लस मिल जाएगी, आपका सर्वाइव भी हो जाएगा, टॉप 10 भी हो जाएगा, किल्स भी निकल जाएंगे लास्ट जोन में अगर आपके पास सेंटर होगा तो, ठीक है। तो समझ चुके होंगे तुम, हैच बे कभी नहीं खेलना है, क्योंकि हैच बे खेलोगे तो हैकर वगैरह मार जाएगा आके, या फिर कोई बंदे आके मार जाएंगे, ठीक है, क्योंकि काफी सारे बंदे हैच बे खेलते हैं,
एक बार सेंटर में खेल के देखो, काफी कोई नहीं खेलता सेंटर में, तो सेंटर में खेलो, इजी आपके हाई प्लस होगी, हाई किल होंगे एंड हाई सर्वाइव होगा, सब टॉप 10 वगैरह सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो समझ चुके होंगे तुम, सेंटर में खेलना है फोर्थ जोन के बाद, और ये चीज काफी सारे बंदों को नहीं पता थी, तो मैंने सोचा ये भी बता दूं, तो बता दिया, ठीक है। बाकी ये एक लिविक का गेम प्ले है और इसमें और रखे थे सर्वर फ्रीज, तो आपको अगर प्लेन पे आपके सर्वर फ्रीज होते हैं तो क्या करना है, तो भाई आपको सीधा एकदम, मतलब जिस तरह सर्वर फ्रीज हुए आपके पास नोटिस आया, फटाफट गेम को रिस्टार्ट कर देनी है फट से भाई, एकदम एक सेकंड भी लगानी है, एकदम से गेम रिस्टार्ट कर देनी है। अगर आप एकदम से गेम रिस्टार्ट करते हो तो आपको थोड़ी देर लॉबी में वेट करना है 5 से 6 मिनट और आपके पास मैच एंटर का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो मैच एंटर करने का ऑप्शन आ जाएगा, फटाक से उस पे क्लिक कर देना है और आप मैच के अंदर एंटर हो जाओगे। और हाँ, 10 में से 8 मैच में ये ट्रिक वर्क करने वाली है, तो टेंशन मत लो, तुम्हारे भाई की ट्रिक है, तो काफी खतरनाक ट्रिक है, तो ठीक है। और तुम्हें पता है तुम्हारे भाई जैसी टिप्स एंड ट्रिक्स पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं देता, जो कि तुम्हारा भाई तुम्हें बताता है, ठीक है। तो होप सो सभी के सभी समझ चुके होंगे सर्वर फ्रीज हैकर से बचना कैसे है, और आप लोग अभी समझ चुके होंगे सही तरीके से, ठीक है। गेम को फटाक से रिस्टार्ट करो एकदम, मतलब एक सेकंड भी लगानी है, रिस्टार्ट करो, 5 मिनट लॉबी के अंदर वेट करो, आप लोगों के सर्वर आ जाएंगे। और हाँ, हाई प्लस आप बोल रहे थे मेरे को प्लस नहीं मिल रही, तो भाई ये ना लिविक का गेम प्ले है, और एक बार मैं इस गेम के अगर आपको प्लस दिखाऊंगा ना, तो भाई आप है, मतलब आप शोक में पड़ जाओगे कि भाई इतना प्लस कैसे मिला, ठीक है। वो तो आप लास्ट में देखना कितना मिला। बाकी लिविक के अंदर अपने 5 किल हो चुके थे और अभी मेरे को छोड़ के 19 बंदे लाए थे, मेरे को पता था यहाँ पे काफी सारे बोट बंदे हैं, क्योंकि जो मतलब रियल मतलब प्लेयर थे या रियल बंदे थे वो यहाँ पे सर्वर फ्रीज हैकर की वजह से यहाँ पे मारे गए और गेम के अंदर एंट्री नहीं हुई, क्योंकि मैं उन्होंने क्या किया, मैं सीधा गेम को जैसे चल रहा है उन्होंने गेम को ऐसे ही चलने दिया, उन्होंने रिस्टार्ट नहीं किया, ठीक है। तो अभी के ये वाली ट्रिक ना पहले यूज करती थी, जैसे गेम चल रहा है ऐसे चलते छोड़ दो और आपके सर्वर आ जाएंगे, बट अभी ये ट्रिक वर्क नहीं कर रही है, तो अभी आपको गेम को रिस्टार्ट वगैरह करना पड़ेगा, ठीक है। और हाई प्लस कैसे मिलती है वो आप देखना भाई, मेरे को तो भाई बहुत ही तगड़ी प्लस मिली है इस वाले गेम प्ले में, देख के जाना। और आज की वीडियो में यहाँ पे मैंने आपको काफी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बता दिया, एक भी टिप्स एंड ट्रिक्स यहाँ पे कमी नहीं रखी होगी मैंने, सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों को बता दिया और आप लोगों को टिप्स हाँ अच्छी तो लगी होगी मुझे पता है, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनाई है और सारी टिप्स मैंने अपने अकॉर्डिंग बताई है, क्योंकि मैं हर सीजन कॉन्क्वेर करता हूँ तो थोड़ी नॉलेज है, तो इस वजह से आप लोगों को बता दिया, ठीक है। बाकी गेम प्ले वगैरह मेरा आप लोगों के जैसी है, कोई इतना ज़्यादा खास है नहीं, मैं भी आप जो लोगों की तरह नॉर्मल प्लेयर ही हूँ, मेरे से भी काफ़ी बंदे अच्छे अच्छे खेलते हैं, मेरे कई बहुत से सब्सक्राइबर भाई लोग होंगे जो कि मेरे से अच्छे खेलते होंगे, ठीक है। तो ये था कुछ मेरा एक्सपीरियंस जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया है। हाँ भाई हाँ, एक चीज़ तो मैं भूल ही गया यार, सॉरी भाई उसके लिए। तो भाई एक चीज़ मेरे को जोर से बताना भाई, आपकी मैं आपकी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि भाई आपका रैंक एंड टायर क्या चल रहा है, मेरे को कमेंट करके जोर से एक बार बता देना, तो तुम्हारा भाई कमेंट थोड़ी देख के तो थोड़ा मोटिवेशन अपने को मिल जाएगा, ठीक है। और अभी तक लाइक नहीं किया तो यार कर दो यार, अपना भाई वगैरह समझ गया यार, मैं इतने प्यार से बोल रहा हूँ भाई, कोई भी कर देगा लाइक एंड सब्सक्राइब, बट तुम नहीं करोगे तो कर देना मेरी जान पर, ठीक है। तो प्लस वगैरह आप देख लेना और वीडियो कैसे लगी मेरे को कमेंट करके जोर से बता देना, वीडियो का कुछ भी अच्छा लगा सब्सक्राइब कर देना, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय गाइज।